जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे जो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और काफी समय से जो बच्चे ऐसे जीडी का जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ या काफी समय से तैयारी में लगे हुए हैं किसी जॉब की ठाल में, तो आप सभी के लिए आरपीएफ की तरफ से जो सबसे शानदार न्यूज है वो लेके आए हूं लाडलो। क्योंकि आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती है ये 2019 में आने वाली थी, इसको लगभग 2 साल से कोरोना काल के कारण ये पेंडिंग चल रही है, जिसकी घोषणा 2022 में हो चुकी है। आप सभी को मैं बता दूं कि कितने पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है, इसका एज क्राइटेरिया इस बार बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चे जो एसएससी जीडी में, आपको पता 18 से 23 साल रहता है एज क्राइटेरिया, या आर्मी के लिए ट्रेड में लास्ट एज 23 साल रहती है, तो जो भी बच्चे एज क्राइटेरिया में पीछे रह जाते हैं, साथ ही हाइट मेजरमेंट, जो हाइट है वो भी आप सभी को पता है एसएससी जीडी के लिए नॉर्मल 170 चाहिए या आर्मी के लिए भी 170 सेमी चाहिए, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में हाइट क्राइटेरिया भी थोड़ा सा कम है। साथ ही एक चीज और बता दूं लाडलो स्पेशली आप सभी के लिए कि होली बोर्ड की तरफ से अभी होली पर एसएससी सीजीएल या रेलवे के लिए जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट रखा गया है 19 से 20 मार्च। तो जितने भी बच्चे, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ये टेस्ट मारिए। लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। आप ही अपनी रैंक देखिए, स्पेशली एसएससी रेलवे और एसएससी सीजीएल के लिए जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और आप ये कोड यूज कर सकते हो होली, तो आपको पूरा का पूरा 50% डिस्काउंट हो जाएगा इसके हर एक कोर्स में। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जाइए और ट्राई करिए। देखिए भाई, अब मैं बताऊं, सबसे पहले इसका हाइट क्राइटेरिया 165 सेमी, आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 165 सेमी हाइट क्राइटेरिया चाहिए। इसके अलावा इसकी जो पोस्ट ऑफ वैकेंसी है वो कितनी रहने वाली है, बहुत सारे बच्चे काफी समय से ये पूछते कि सर पोस्ट ऑफ वैकेंसी कितने रहने वाली है। मैं आपको बताऊं कि जब इसकी घोषणा हुई थी उस समय 9000 पोस्ट के आसपास इसकी घोषणा हुई थी, साथ में 2000 पोस्ट इसमें और बढ़ा दी गई है पिछले 2 साल से। आप सभी को पता है कि नया जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बहुत सारी पोस्ट खाली होती जा रही है, तो इसका पोस्ट और बढ़ा दी गई है। अब मैं आपको बताऊं, लगभग इसका हाइट क्राइटेरिया 165 सेमी है, तो हाइट में छूट, एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल है। अगर एज में छूट भी नहीं मिलती है तो भी 25 साल लास्ट है। इसके साथ में ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि एसएससी जीडी में जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ या जो हताश हो गए वो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दे। ये वैकेंसी कब आएगी, कब इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, मैं आपको बता दूं कि मई 2022 में ये वैकेंसी आएगी, ठीक है। और भी इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने एक लिंक नीचे दिया है, ऑफिशियल लिंक है, आप वहां पर जाके वेबसाइट पर पूरा चेक कर सकते हैं। मई 2022 में ये वैकेंसी आने वाली है। अब 9000 प्लस 2000 पोस्ट हो सकता है कि ये 11000 की आए, अगर 11000 की ये पोस्ट नहीं आती है तो लगभग 4500 पोस्ट की वैकेंसी आएगी, क्योंकि आरपीएफ इसको अगर 2 भाग में कराता है तो 4500 से 5500 के बीच की पोस्ट वैकेंसी ये आने वाली है लाडलो, ठीक है। इन दोनों में से एक वैकेंसी, यानी या तो 4500 या 5500 के बीच में, या 11000 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, जिसका एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल रहेगा, हाइट 165 सेमी रहेगी। तो जिनकी भी हाइट कम है या जिनका एज ज्यादा हो गया वो सभी अब इसकी तैयारी में जुट जाइए लाडलो, क्योंकि इसका जो पेपर है, आप सभी को पता है पेपर इसका ज्यादा हार्ड नहीं है, जो इसका हार्ड है होता है फिजिकल। तो जो आर्मी की तैयारी करते हैं या एसएससीडी की तैयारी कर सकते हैं वो सभी इसके फिजिकल को भी फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सभी क्राइटेरिया होते हैं। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, मई में फॉर्म अप्लाई होंगे लाडलो, मई में इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए भाई। जय हिंद, जय भारत।